हेलो दोस्तों, आप कड़ी मेहनत करते हैं, समय पर पेमेंट भी पाते हैं, तमाम खर्चों के बाद पैसे भी बचा लेते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि आप अमीर बनने की राह पर हैं? तो दोस्तों, पैसा कमाना बहुत बड़ी कला है और उससे बड़ी कला है पैसे की सेविंग करना। यदि आप सही तरीके से और रेगुलर तरीके से आप पैसों का सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो आज हम दोस्तों आपको 10 ऐसे लक्ष्य आज हम बताएंगे जो यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो जीवन में कभी भी या लाइफ में कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन सी रीजन है। नंबर फर्स्ट, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं। स्कूलों में हमने सीखा है कि कठिन परिश्रम हमें जीवन में आगे ले जाता है, लेकिन यह आधा हकीकत है। अगर आप जीवन में सिर्फ कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आप कभी धनवान नहीं हो सकते, क्योंकि कड़ी मेहनत से आप पैसे तो कमा सकते हैं, बचा नहीं सकते। पूरा जोर बचत पर, कमाई बढ़ाने पर नहीं। सिर्फ बचत पर बहुत ध्यान देना पर्याप्त नहीं हो सकता। स्मार्ट वर्क का एक और तरीका बचत के साथ साथ आमदनी बढ़ाने पर भी ध्यान देना है। पैसे जमा करने के लिए बचत तो करना जरूरी ही है, लेकिन अगर आपका सारा ध्यान बचत पर चला जाएगा तो कमाई पर से नज़र हट जाएगी। धनवानों की एक सामान्यतः आदत होती है कि वो कमाई के कई स्रोत पैदा कर लेते हैं और बेहद कुशलता से बचत की आदत भी डाल लेते हैं। क्षमता से अधिक कीमती चीजें खरीदना, अगर हैसियत से ज्यादा खर्च करोगे तो धनवान क्या खाक बनोगे? अगर आपकी कमाई थोड़ी बढ़ भी जाए तो तुरंत खर्च भी नहीं बढ़ा दें। एक अमीर व्यक्ति ने कहा, हमने अपने लिए पहली महंगी घड़ी या कार तब तक नहीं खरीदी जब तक मेरे बिजनेस और निवेश से आमदनी के कई रास्ते नहीं खुल गए। समय पर वेतन मिल जाने से ही खुश हैं। ज़्यादातर लोग करियर में समय पर वेतन मिलने को तवज्जो देते हैं, जबकि भविष्य के अमीरों का लक्षण यह है कि वो परिणाम आधारित पेमेंट पसंद करते हैं। और ऐसे लोग खासकर अपने लिए काम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि समय पर वेतन मिल जाने को तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यह मंद गति से सुरक्षित जीवन जीने का तरीका है। भविष्य के अमीरों के पता होता है कि अमीरी का सबसे तेज रास्ता होता है स्वरोजगार। निवेश ना करना, वक्त पर आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसे हों यह उचित निवेश के जरिए सुनिश्चित किया जा सकता है कि आप जितना जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे आप अमीरी की राह में उतनी तेजी से कदम बढ़ाएंगे। अपना नहीं दूसरे का सपना पूरा करने में जुटे हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप वही करें जो आपको रोमांचित करता है, मतलब अपने पसंद को प्यार करें। कई लोग अपने माता पिता या किसी और का सपना पूरा करने में जुटे रहते हैं। हमसे कई यह भी सोचते हैं कि फला काम करेंगे तो समाज क्या सोचेगा। मित्रों, जब आप दूसरों की सपना पूरा करने में जुट जाते हैं तो आपको अपने काम से प्यार नहीं होता है, क्योंकि वह आपके पसंद का काम नहीं होता है। इसलिए भारी मन से किए गए काम में आपका परफॉर्मेंस भी झलकेगा ही। इसका असर आपके करियर पर पड़ेगा और आप वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहेंगे। आराम की जिंदगी से बाहर नहीं जाना चाहते। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो जहां भी सफलता प्राप्त करें या वहां से आगे बढ़ जाएं। अक्सर अमीरों को अनिश्चित में ही आराम मिलता है, लेकिन सामान्य लोग अनिश्चितता से डरते हैं। दरअसल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुख चैन पाना ही
मध्यवर्गीय मानसिकता का प्राथमिक लक्षण होता है, लेकिन दुनिया भर के विचारकों ने शुरुआती दिनों में ही सीख लिया कि अमीर बनना कोई आसान बात नहीं और आराम किसी को बर्बाद कर सकता है। पैसे का क्या करें कुछ पता ही नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य होने से आपकी राह आसान और मजेदार हो जाती है। घर खरीदना चाहते हैं तो विदेश में रहना चाहते हैं, हर महीने ट्रेवल करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आनंद की जिंदगी जीना चाहते हैं, आपके जो भी लक्ष्य हैं उन्हें लिख लें। अमीर लोग संपत्ति जमा करने को लेकर प्रतिबद्ध होते, जमकर खर्च करते हैं, बच जाए तो सेविंग। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर के लेखक डेविड वेग का कहना है, ज्यादातर लोग पैसे मिलने पर दूसरों को देने लगते हैं। वो मकान मालिक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, मोबाइल कंपनी को पेमेंट करते हैं। उनका कहना है कि सबको देकर बचता क्या है, इसलिए पहले अपने लिए बचाओ फिर दूसरे को दो।